जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट बुक कह लीजिए या फिर एक तरह से नोट्स कह लीजिए प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। घटना चक्र का है, ठीक है। घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें सही रहती हैं। सॉरी, ये कहूँगी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है एक आध मिस्टेक रहती हैं, बाकी सारी चीज़ें सही रहती हैं। इस वजह से ये नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित है, ठीक है। तो वो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें आपको पॉइंट वाइज मिल जाएंगी सारी चीज़ें। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं सिविल सर्विसेज में भी ये काम आएगी, अगर आप पढ़ लेंगे तो। स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ और जितने भी एसएससी कोई भी हुआ, झारखंड पीसीएस हुआ, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है अभी, एमपीपीएससी का होगा, तो उन सब में ये काम आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उन्होंने जो पॉइंट वाइज जो बनाई है, ये एक तरह से मार्केट में भी आ चुके, टेक्स्ट बुक के रूप में है ये। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा डालें। इससे अच्छा तो डिजिटली मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसे पढ़ डालिए। लगभग 49-50 पेज हैं ये, ठीक है। 10 पेज डेली एक तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए, 5 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए, ठीक है। पॉलिटी से संबंधित, पॉलिटी में थोड़े से फैक्ट तो पता होने चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं अभी बस थोड़े दिन और रुक जाइए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आने वाला हूँ आपके लिए जो काफ़ी लाभदायक होंगी आपके एग्जाम के लिए। पूरा का पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा आपको पहले से, कौन कौन सी चीज़ें हैं कब कब आपको दी जाएंगी पहले से ही बता दिया जाया करेगा, जिससे आपको आसानी हो। तो अब बता देता हूँ मैं ये कहाँ से डाउनलोड करनी है। आप सभी को पता है हमारी वेबसाइट है www.upsc11.com, आप सभी को पता है, तो उस पर जाना है। देखिए upsc11.com, ये UPSC लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। UPSC है यहाँ पर, 11 जब आप डालेंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। गूगल पर सर्च करेंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिल जाएगा इस वेबसाइट का, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आपको इंटरफेस इस प्रकार से खुलेगा। यदि आप डेस्कटॉप से खोलते हैं तो, मोबाइल से खोलेंगे तो ये वाले टैब जो हैं आपको नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पर छुपे रहते हैं। मोबाइल से खोलेंगे तो, और ये वाली जो साइड दिखाई दे रही है इधर की साइड, मैं अभी नीचे दिखाता हूँ आपको, ये जो इस प्रकार के जो बटन वटन से दिखाई देते हैं ये सब नीचे की साइड में आते हैं, ठीक है। शॉर्ट हो जाती है ना मोबाइल में, तो आपको करते जाना है थोड़ा सा स्क्रॉल और आपको ढूंढना है। नीचे की साइड में एक बटन मिल जाएगा आपको कैटेगरीज का, कैटेगरीज के बटन में बहुत सारी जितनी भी चीज़ें डाल दी जाती हैं वो लगभग इसी में डाली जाती हैं, ठीक है, कैटेगरीज के अंदर ही। तो कैटेगरी के अंदर सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पॉलिटी की बुक है तो आपको ढूंढना है पॉलिटी, पॉलिटी का सेक्शन ढूंढ लीजिए, तो पॉलिटी का अल्फाबेटिकल मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ये आ गया यहाँ पर, पॉलिटी, पी पी से, ये सारी चीज़ें पी से हैं, तो ये आपको मिल जाएगा पॉलिटी। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो पॉलिटी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी अब यहीं पर डाली जाया करेंगी। तो देखिए यहाँ से आप क्लिक करके ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसे पढ़िए, कवर कीजिए। मेरा काम ही है आपके एग्ज़ाम को सरल बनाना, इसी वजह से मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम रखा था एग्ज़ाम मेड इजी, और उसी के तहत ये काम कर रहा है, चाहे वीडियो फॉर्मेट में, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी भी रूप में आपको संसाधन उपलब्ध कराऊं मैं, आपको उपलब्ध कराने हैं मुझे। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं जो देखना चाहते हैं उन्हें। देखिए यहां पर सिविल सर्विस से रिलेटिव, चाहे देखिए यूपीएससी मेन है, यूपीएससी का जब आप सिलेबस पढ़ेंगे या फिर उसके नोट्स पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं। जो स्टेट पीसीएस का देते हैं वो एग्जाम ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाता है, ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो। जैसे मान लीजिए आईएएस के नोट्स हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं थोड़ा सा सपोर्टिव इस वजह से हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो इस वजह से उसी लैंग्वेज में मैं एक तरह से अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आप को और आपको चीज़ें उपलब्ध करा सकता हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं थोड़ा सा कार्य कर रहा हूँ, उसमें डाल दी जाती हैं चीज़ें, देख लीजिएगा। जो नोट्स वगैरह मिलते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन कुछ बुक्स वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट, जो बेसिक बुक हैं जो हिंदी मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। और आपको कैटेगरीज के ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे डेली का करंट जो हम देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ उन्हें। तो आपको जाना है TNA ऑप्शन में, जैसे अभी पॉलिटी ऑप्शन आया था, पॉलिटी सॉरी ढूंढा था आपने यहाँ पर, ये वाला पॉलिटी, इसी प्रकार से यहाँ पर ढूंढ लेना है TNA, टुडेज न्यूज एनालिसिस। तो टुडेज न्यूज एनालिसिस में क्या होता है, आज की जो न्यूज होती है, जैसे 27 तारीख है आज, मैं 27 को अपलोड करूंगा इस वीडियो को, तो 27 है, तो आपको जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो इस प्रकार से न्यूज मिल जाती है। जो नए हैं उनको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग डेली जुड़ते आते हैं, देखिए इस प्रकार से जो है पूरी न्यूज मिल जाती है। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ,
ठीक है, इस वजह से ये कटा हुआ नजर आएगा, वरना पूरा का पूरा आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, एडिटोरियल होते हैं। एडिटोरियल आपको पता ही है क्यों होते हैं इम्पोर्टेंट, जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके व्यूज़, हमें न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट होती है उससे जुड़ी हुई, लेकिन व्यूज़ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज में व्यूज़ ही लिखने पड़ते हैं। यदि आप किसी दूसरे के व्यूज़ जानेंगे तो उनसे आपके अपना व्यूज़ उत्पन्न होगा, मान लीजिए ये कुछ लिख रहे हैं तो उससे निगेटिव भी उत्पन्न हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों प्रक्रिया के द्वारा आपका दिमाग एक संतुलन संतुलन की स्थिति में तब तक पहुंच जाएगा जब तक आपका एग्जाम होगा। इस वजह से डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैं इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जितने भी न्यूज़पेपर हैं इंपोर्टेंट जो आपकी सिविल सर्विस के लिए काम आएंगे, वो यहाँ पर एडिटोरियल मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश का भी मिल जाता है, यहाँ पर द हिंदू का मिल जाता है एक, और एक मिल जाता है आपको इंडियन एक्सप्रेस का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी हिंदी भी थोड़ा बहुत, सॉरी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत सही होती जाएगी। कोशिश करिए बस एक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ना जानते हैं वो अच्छे से पढ़िए ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही डालता हूँ मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट जो आपको प्री के नोट्स बना सकते हैं इसमें से चाहे, लेकिन ये न्यूज पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर से पढ़ने की पर्सनली कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी सारी मंथली चीज़ें मैं उपलब्ध कराई देता हूँ आपको। देखिए दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए घटना चक्र और योजना की जो मैगजीन मिल जाएंगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इसी कैटेगरीज के ऑप्शन में, वो वहीं पर आ जाता है कैटेगरीज में ही। तो योजना कुरुक्षेत्र के जो पार्ट के रूप में मैंने आपको प्रोवाइड कराने की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करी है, यहाँ से कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, किसी दिन मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा व्यूज़ मिलेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, कैसे पढ़नी होती हैं, एंड में स्क्रीन पर भी आ जाएगा सारी चीज़ें, उन्हें भी देख लीजिएगा। लेकिन पर्सनली जो रिकॉर्डिंग में आता है सिस्टम, आपको सारी चीज़ें जो है बता दी जाती हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी का सिलेबस, तो इस पर आप जाएंगे नीचे की साइड कैटेगरीज के ऑप्शन में, तो यूपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा आपको, यूपीएससी सिलेबस लिखा होगा उस पर, ठीक है। ये रहा, यहाँ से आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लिए। दूसरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आईएएस 2017 मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, सभी सभी डाल दिए मैंने, आप डाउनलोड कर लीजिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक तरह से ये मान लीजिए जो भी पेपर होंगे सब यहाँ पर मिल जाएंगे नीचे इसी ऑप्शन में, ठीक है। ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको, सब मिल जाएंगे आपको। तो मुझे बस इतना ही बताना था, बताना तो इतना था पॉलिटी का, लेकिन और भी सारी चीज़ें दिमाग में आ गई कि आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है नहीं जान पाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये बता दिया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाइए, और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दीजिए इसे, क्योंकि फेसबुक पर काफ़ी लोग एक तरह से अपना समय जाया करते हैं, तो उन्हें काफ़ी जाया कहें या क्या कहें, मतलब ख़राब करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ऐसी अगर कोई वीडियो अगर ऐसी मिल जाती है जिनसे आपको उनको लाभ प्राप्त हो, तो उन्हें शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। जो अभी आपको लगे कि हाँ यार मुझे इससे बेनिफिट है, आपको पता नहीं शेयरिंग कितनी है, जब आप थोड़ा समझदार हो जाएंगे तो शेयरिंग से बेहतर कुछ नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी से, आप दबे रहते हैं, ठीक है। जब तक आप शेयर करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी अनुभूति आपको होने लग जाएगी, तो एक अनुभूति होगी आपको, वो अनुभूति ही मेन है, उसी उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से करिए, और ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेट बने रहिए, ठीक है। मोटिवेशनल के लिए एक वीडियो डाला है मैंने छोटा सा, और भी वीडियो हैं देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखते रहें एग्जाम मेडिची, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।